इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस विच हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट विल बिहेव एज ए कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर इज ए कंडक्टर, और एक कॉपर के एटम में 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जब ये कॉपर एटम आपस में मिलके एक क्रिस्टल बनाते हैं या मेटल बनाते हैं, व्हाट हैपेंस इज, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इट बिकम्स फ्री। तो अब हर कॉपर एटम के अराउंड सिर्फ 28 इलेक्ट्रॉन ही घूम रहे हैं, और इसका जो 29th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गया। हर कॉपर एटम देयरफॉर एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, और ये इलेक्ट्रॉन अब पूरे पूरे क्रिस्टल में कहीं भी जा सकता है। इट इज फ्री नाउ, इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी एटम, एंड इट इज दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच गिव्स स्पेशल प्रॉपर्टीज टू कंडक्टर। दस कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो सब्सटेंस इंसुलेटर्स होंगे उनमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उनके सारे इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ में अटैच रहेंगे। सो विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स विच अराइजेस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। पहली चीज, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब चार्ज क्यू रेस्ट पर है इफेक्टिवली। इस कंडीशन में inside the conductor electric field will always be equal to zero. This is because कि अगर हमने मान लिया कि electrostatics है, मतलब charge क्यों रुका हुआ है, charge is at rest, the net force acting on the charge must be equal to zero. The resultant force जो charge के ऊपर लग रहा होगा वो zero के बराबर होगा, और किसी charge के ऊपर लगने वाला force QE के बराबर होता है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमें मान रहे हैं कि चार्ज रुक चुका है, एक चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा, एंड देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर जीरो होगी। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अगर किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, तब इस कंडीशन में करंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, और इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी नॉट इक्वल टू जीरो। इनफैक्ट इस इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से ही इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहा होगा, इसके अंदर करंट होगी। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं है तो एक नेट चार्ज फ्लो कर रहा होगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना इलेक्ट्रोस्टैटिक की रिक्वायरमेंट है। Further, the second property of conductors will be electric field will always be perpendicular to the conductor surface in electrostatics. तो अंदर तो electric field नहीं है, conductor के बाहर अगर electric field होगी तो वो electric field हमेशा surface के perpendicularly outward निकलेगी। तो let us say एक conductor है, इसके अंदर electric field zero है definitely, और इसके surface पे electric field हर point पे इस surface के परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर एट एवरी पॉइंट। दिस इज बिकॉज कि मान ले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट सरफेस के अलॉन्ग होगा, ई पैरेलल अलॉन्ग द सरफेस। और अगर ये कंपोनेंट होता तो यहां पे रखे हुए चार्ज के ऊपर फोर्स लगने लगता क्यू ई पैरेलल, और ये मूव करने लगता। लेकिन हमने पहले से ही माना हुआ है कि चार्ज रुका हुआ है, मतलब यहां पे रखा हुआ चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स हर डायरेक्शन में इफेक्टिवली जीरो है। इट मींस कि इस डायरेक्शन में होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। दस देयर वोंट बी एनी कंपोनेंट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एंड देयरफॉर देयर विल बी ओनली कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। If E is not perpendicular, there will always be a component along the surface and which will violate the condition of electrostatics. हमने पहले से बोला हुआ है कि चार्ज रुका हुआ है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स की, वो ये कि इफ एनी एक्सेस चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर इट विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। अगर एक न्यूट्रल कंडक्टर था, उसको कुछ चार्ज दे दिया गया, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डाल दिए गए या उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाएंगे। सो इफ दिस वॉज द कंडक्टर, इफ एनी एक्सेस चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, ऑल द चार्ज मस्ट रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस। देयर कुड बी ए सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। लेट अस से हमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सब आपस में रिपेल कर रहे हैं, सारे नेगेटिव चार्ज सरफेस पे आ जाएंगे एज फार एज पॉसिबल, एंड देयरफॉर दे विल कम ऑन द सरफेस। और अल्टरनेटिवली वी कैन प्रूव दिस फ्रॉम गॉस लॉ। कैसे? इफ वी मेक एनी क्लोज गॉसियन सरफेस इनसाइड द कंडक्टर, अगर कंडक्टर के अंदर एक क्लोज गॉसियन सरफेस बनाया जाए ऐसे, और इस गॉसियन सरफेस पर गॉस लॉ लगाया जाए, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स भी देयरफॉर जीरो होगा। अगर ई जीरो है तो ई डॉट डी ए का इंटीग्रल भी जीरो होगा इस पूरे सरफेस पे। नाउ अप्लाइंग गॉस लॉ, इट मींस दैट इसके अंदर कोई नेट चार्ज नहीं है। इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस देयर इज नो नेट चार्ज, लेकिन हमने चार्ज तो दिया था। अगर वो अंदर नहीं है, इट मस्ट बी आउटसाइड। द चार्ज विल कम ऑन द आउटर सरफेस। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। विच मीन्स दैट द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो, क्योंकि ई डॉट डी ए का इंटीग्रल जीरो है। देयरफॉर द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज जीरो, सो ऑल द एक्सेस चार्ज विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस, एंड दैट चार्ज ऑन द आउटर सरफेस विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द आउटर सरफेस। और यहां पे क्योंकि सरफेस पे चार्ज है, द चार्ज डेंसिटी वी विल बी इंटरेस्टेड इन विल बी सिग्मा। दस वी हैव सीन दैट एनी एक्सेस चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस, एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म ऑन द सरफेस एक्सेप्ट वेन द सरफेस इज स्फेरिकल। तो सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नॉन सिमेट्रिकल होगा एक्सेप्ट वेन द सरफेस इज स्फेरिकल। मतलब अगर ये सरफेस स्फेरिकल होता तो इस सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। एक चीज यहां पे समझने वाली है कि चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इन सच ए वे दैट इट मेक्स ई इक्वल टू जीरो एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर या कंडक्टर के वजह से नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के वजह से होती है। चार्ज इसके सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा ताकि इसके अंदर के हर पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दे। अगर हम इस सरफेस को एक छोटे से चार्ज डीक्यू में ब्रेक कर लें, तो इस डीक्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड दैट विल बी गिवन बाय के डीक्यू बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप। तो इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी डीई। हर चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी। देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एवरी चार्ज ऑन द सरफेस, लेकिन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। मतलब अगर ये डीई था तो डी वेक्टर का इंटीग्रेशन जीरो होगा हर पॉइंट पे इनसाइड द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का रीजन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा और तब तक होगा जब तक अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्मली होना चाहिए। इनफैक्ट इट इज फाउंड दैट ऑन शार्प एजेस सिग्मा इज हाई, चार्ज डेंसिटी इज हाई। मतलब अगर किसी कंडक्टर में एक शार्प एज है, तो शार्प एज पे द चार्ज पर यूनिट एरिया विल बी वेरी हाई। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू द फ्लैटर सरफेस, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। अगर स्फेरिकल सरफेस है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि वी हैव सीन दैट
एक स्पेरिकल सरफेस में अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होती है, क्योंकि चार्ज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना है ताकि अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो स्पेरिकल सरफेस के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा तो अपने आप अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। बिकॉज यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेक्स ई बराबर जीरो एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, वी हैव सीन दिस प्रीवियसली। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अंदर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी।